पैथोलॉजी फ्रॉम मीडियम रॉबिन्स और हम हेमोलिटिक एनीमियाज का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. इफ यू रिमेंबर मेरी प्रीवियस वीडियो वाज ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया. सो हेमोलिटिक एनीमिया से एसोसिएटेड जो बेसिक्स हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं. सो प्लीज़ गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिकॉज ऑल दोज इंट्रोडक्टरी डिस्कशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में बातें की हैं दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया. नाउ द फर्स्ट कॉज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस जिसमें रेड ब्लड सेल रप्चर होते हैं, हीमोलाइज होते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. सी वी हैव डिस्कस्ड कि वर्ड हीमोलिसिस का मतलब है रेड ब्लड सेल्स का फट जाना, रेड ब्लड सेल का हीमोलाइज हो जाना, उनका रप्चर हो जाना. और इसकी फिर बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं. एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कॉज ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया नोन एज हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. अब सबसे पहले तो नाम पे ज़रा तवज्जो दें, जस्ट फोकस ऑन द नेम. हेरिडिटरी का मतलब ये है कि देयर विल बी सम जेनेटिक डिफेक्ट, सो इट विल बी एसोसिएट विद वन और द अदर फॉर्म ऑफ म्यूटेशन. इस स्फेरोसाइटोसिस का मतलब ये है कि नॉर्मली रेड ब्लड सेल की शेप क्या होती है, इट्स यूजुअली बायकॉनकेव. एंड इफ द रेड ब्लड सेल्स आर नॉट बायकॉनकेव एंड दे बिकम राउंडेड लाइक दिस, सो दीज आर देन नोन एज स्फेरोसाइट्स. सो रादर देन अ बायकॉनकेव डिस्क दे बिकम स्फेरोसाइट. अच्छा, अब आप कहें वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, रेड ब्लड सेल गोल मटोल हो गए, दे आर नाउ राउंडेड. नो नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. देर आर मल्टीपल डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस. वन, हमारे रेड ब्लड सेल का जो बायकॉनकेव स्ट्रक्चर है इट इज डिजाइन सो दैट दे पासिस ईजिली थ्रू द ब्लड वेसल. अगर ये राउंड हो जाएंगे सो दे विल बी स्टक. नंबर टू, दे विल बी कॉट अप बाय मैक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस विल आइडेंटिफाई दीज रेड ब्लड सेल्स एज एबनॉर्मल, सो दीज रेड ब्लड सेल्स विल बी डिस्ट्रॉयड. ओके, सो गोल होना इस इंस्टेंस में अच्छी बात नहीं है. सो दिस डिसऑर्डर स्टेम्स फ्रॉम इन, तो बेसिकली मैं नाम का मतलब समझा रहा था, फिर मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ. सो इट इज जेनेटिक देयरफॉर हेरिडिटरी. इसमें रेड ब्लड सेल गोल हो जाते हैं, स्फेरोसाइट्स बनाते हैं, इसलिए स्फेरोसाइटोसिस. एंड बिकॉज जब ये गोल हो जाएंगे सो दे विल स्टार्ट rupturing because अब ये easily blood vessel से भी नहीं गुजर सकते और ये macrophages का target भी होंगे, so they will ultimately rupture. इसीलिए this is a cause of hemolytic anemia. So hemolytic anemia की जो भी cause होगी, जो भी disorder हम discuss करेंगे उसमें there will be a pathology जिसकी वजह से ultimately red blood cell फटेंगे, rupture हो जाएंगे, गुब्बारे की तरह जैसे फुग्गा फट जाता है ना, तो बिल्कुल इस तरह ही फट जाएंगे. And therefore they are classified under the heading of hemolytic anemias. Okay? Now this disorder stems from inherited defects in the red cell membrane that leads to formation of spherocytes. बात समझ में आ गई अभी ये? Non-deformable cells that are highly vulnerable to sequestration and destruction in the spleen. तो spleen में because macrophages हैं और जब ये sinusoid से गुजर रहे होते हैं they are highly vulnerable to rupture. Hereditary spherocytosis is usually transmitted. मैंने आपको बताया it's a genetic disorder. So क्या genetics हैं इसकी? Autosomal dominant trait. A more severe autosomal recessive form also exists, but that's in a very very small minority of patients. So it's very rare. The more common form is the autosomal dominant. So यहाँ तक general अगर बात समझ में आ गई, so let's start talking about कि actually defect होता क्या है, pathogenesis क्या है. देखें मैं आपको मोटी मोटी बात समझा देता हूँ कि लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल. इस डायग्राम में ये पैनल जो है ये आपको डिफरेंट प्रोटीन्स दिखा रहा है जिसमें रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली इट्स अ सेल तो इसमें एक लिपिड बायलेयर होगी, सो दैट्स अ लिपिड बायलेयर. एंड देन देयर आर सो मेनी अदर प्रोटीन्स जिसकी वजह से देयर इज टाइट एंकरिंग ऑफ द लिपिड बायलेयर विद द प्रोटीन्स. सो वो कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? फॉर एग्जाम्पल बैंड 3 एक प्रोटीन है, 4.2, एनकाइरिन, स्पेक्ट्रिन्स, एक्टिन्स, ये पूरा एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है जो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होता है. जिस और इस इंटरेक्शन की वजह से, इस टाइट बाइंडिंग की वजह से रेड ब्लड सेल बायकॉनकेव नॉर्मल स्ट्रक्चर में होते हैं. अब अगर इनमें से किसी में भी म्यूटेशन है, स्पेक्ट्रिन में म्यूटेशन है, एक्टिन में म्यूटेशन है, बैंड 3 में म्यूटेशन है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन व्हाट विल हैपन कि रेड ब्लड सेल का ये जो टाइट बाइंडिंग है आपस में इन प्रोटीन्स का, दैट विल बी लॉस्ट. हो सकता है एनकाइरिन में म्यूटेशन हो, so एनकाइरिन एंड बैंड 3 विल नॉट बी बाइंडिंग टू ईच अदर, सो ये वाला जो पोर्शन है मेम्ब्रेन का दैट विल बी
वेरी मच लैक्स एंड दिस विल बी यू नो बबलिंग हो जाती है यहाँ पे, और ये बबल्स इस तरह वेसिकल्स बन के निकलते रहते हैं रेड ब्लड सेल से, और जब ये वेसिकल्स निकलते रहते हैं सो अल्टीमेटली द रेड ब्लड सेल बिकम्स स्फेरोसाइट, गोल हो जाता है. इन द बिगिनिंग सी इट वॉज बाइकॉनकेव एंड नाउ इट इज स्फेरोसाइट बिकॉज इट इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेसिकल्स बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोटीन और मल्टीपल प्रोटीन्स. और एक दफा जब ये स्फेरोसाइट बन जाता है इट इज टेकन अप बाय द मैक्रोफेज एंड मैक्रोफेज देन ईट्स इट अप, डिस्ट्रॉयज इट और हिमोलिसिस हो जाती है. सो दैट्स द पैथोजेनेसिस, बेसिकली म्यूटेशन इन एनी ऑफ द प्रोटीन्स. हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेरिटेड डिफेक्ट इन द मेम्ब्रेन स्केलेटन, अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन दैट स्टेबलाइजेस द लिपिड बायलेयर. ये जो सारे मैंने अभी आपको प्रोटीन्स के नाम बताए हैं, एनकाइरिन, स्पेक्ट्रिन, दीज आर ऑल द प्रोटीन्स जो कि लिपिड बायलेयर को बांधे रखती हैं. उनमें अगर म्यूटेशन होगी तो ये लिपिड बायलेयर काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी, और यही बेसिक पैथोजेनेसिस है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की. द मेजर मेम्ब्रेन स्केलेटन प्रोटीन इज स्पेक्ट्रिन which is a long flexible heterodimer that self associated at one end that binds short actin filaments on the other end. So you see these are the structures in front of you, spectrins. aapne dekh liye yahan pe ye, these are the spectrin proteins jo actin ke sath bhi bind kar rahe hain, aapas mein ek dusre ke sath bhi bind kar rahe hain. This is the most important skeletal network. Now these contacts create a two dimensional meshwork that is connected to the transmembrane protein band 3 and glycoforin via the linker enkyrin band 4.2 and 4.1. So this is the organization which we have already discussed, okay? Now, mutations that causes hereditary spherocytosis most frequently involve enkyrin, band 3 or spectrin. The common feature of the pathogenic mutation is that they weaken the vertical interactions between these proteins and the cell membrane. This defect stabilizes the lipid bilayer of red blood cell. Destabilizes. Important. मैं पढ़ते पढ़ते खुद ही सोचने लगा कि stabilize क्या, म्यूटेशन अच्छी चीज थोड़ी है. So destabilizes the lipid bilayer, which then shed membrane vesicles and they become spherocytes. तो ये जो सारी बात मैंने अभी already आपसे discuss कर ली है वो यहाँ इस paragraph में लिखी है. Now the critical role of spleen in hereditary spherocytosis is illustrated by the beneficial effect of splenectomy, although the red cell defect and spherocytes persist. Yani aksar hereditary spherocytosis ke patients mein dekhen, what is the problem? The problem is that this is the person, isme red blood cell is shape ke bajaye ab is shape mein hai, and the spleen is taking care of these cells in a way ke isko rupture kar rahi hai. Rupture karega to there will be increased bilirubin and jaundice and all those sort of thing. So sometimes what they do is they just remove the spleen. तो स्प्लीन तो निकाल दिए, तो अब सिर्फ एक काम हो रहा है और वो काम ये है कि ये जो स्फेरोसाइट्स हैं ये स्प्लीन में जाके फट नहीं रहे, वरना ये हैं तो अभी भी मौजूद बॉडी में है. सो दे आर स्टिल प्रेजेंट इन देयर बट दे आर जस्ट नॉट बीइंग हैंडल्ड बाय द स्प्लीन बिकॉज आपने स्प्लीन निकाल दी है. सो द बॉडी स्टिल हैज सर्कुलेटिंग स्फेरोसाइट्स. ओके, सो रेड सेल्स मस्ट अंडरगो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ डीफॉर्मेशन टू पास थ्रू द स्प्लीनिक कॉर्ड्स द फ्लॉपी. ये बात हम सारी अब कर चुके हैं, दे गो थ्रू द स्प्लीन दे आर डिस्ट्रॉयड. Okay, and obviously spleen will be working more in these patients and it will lead to splenomegaly. So these patients will have this important feature. On smears, spherocytes are dark red and they lack the central pillar. So if you look here, इसमें आपको सेंटर में पेलर नजर आ रहा है बट इसमें नहीं नजर आ रहा, इसमें नहीं नजर आ रहा. सो इफ देयर आर सेल्स व्हिच लूज सेंट्रल पेलर दे आर यूजुअली स्फेरोसाइट्स. ओके, स्प्लीनोमेगैली पे मैंने बात कर ली बिकॉज स्प्लीन इज वर्किंग क्वाइट अ लॉट एंड बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ रप्चरिंग रेड ब्लड सेल. सो हीमोग्लोबिन एंड बिलिरुबिन लेवल्स विल गो हाई इन द ब्लड एंड दे विल एंड दे कैन लीड टू गॉलस्टोन फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली पिगमेंट गॉलस्टोन्स. ओके, और ये मैंने जब इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी ऑन हिमोलिटिक एनीमियास तब ये बात हमने की थी कि सो व्हेन देयर इज हाई लेवल ऑफ हिमोलिसिस देयर इज हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड अल्टीमेटली लीडिंग टू स्टोन फॉर्मेशन. ओके, नाउ हाउ डू दीज पेशेंट्स प्रेजेंट क्लिनिकली एंड दैट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. The characteristic feature would be anemia because red blood cell इनके फट रहे हैं, so there will be anemia. There will be splenomegaly and jaundice. अब हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए because red blood cells are being ruptured, so there is a lot of bilirubin being formed and jaundice. Spleen is over functioning, so splenomegaly. The anemia is variable in severity.
अब एनीमिया डिपेंड करता है कि म्यूटेशंस का लेवल क्या है. अगर बहुत ही सीवियर म्यूटेशन है तो ये जो प्रोटीन्स हैं दे विल ऑल बी डीफॉर्म्ड एंड देर विल बी अ लॉट ऑफ स्फेरोसाइट फॉर्मेशन. सो जब अ लॉट ऑफ स्फेरोसाइट फॉर्मेशन होगा सो देर विल बी अ लॉट ऑफ रप्चरिंग एंड द एनीमिया विल बी वेरी वेरी सीवियर. ओके नाउ बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप रेड ब्लड सेल इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस शो इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी सो दे आर रप्चर्ड वेरी इजीली. बेसिकली द कोर्स इज जनरली स्टेबल बट मे बी पंक्चुएटेड बाय एप्लास्टिक क्राइसिस पर्टिकुलरली इफ देयर इज एन इन्फेक्शन. सो इफ समबडी गेट्स इन्फेक्शन पर्टिकुलरली विद अ वायरस कॉल्ड पार्वोवायरस B19 देन यू नो बोन मैरो इज सप्रेस्ड. And on one side, imagine the bone marrow is not working, so enough blood is not being produced. On the other side, jo blood hai, wo spherocytes hai. Now is the time when the patient feel crisis. The virus is a marked tropism for erythroblast, which undergo apoptosis during viral replication. So that's all now talking about whenever there is this infection, there is more severe anemia, so much so that blood transfusions may be required. Okay? There is no specific treatment for obviously it's a genetic disorder, so mutation ko hum treat karne ke liye we are still not able to do that. Splenectomy improves the anemia. अगर आप स्प्लीन को निकाल दें तो जाहिर है जो स्पीरोसाइट्स हैं वो यहाँ जाके रप्चर नहीं होंगे, तो जब रप्चर नहीं होंगे तो एनीमिया इंप्रूव हो जाएगा. सो स्प्लीनेक्टमी इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. द बेनिफिट्स ऑफ स्प्लीनेक्टमी मस्ट बी वेट अगेंस्ट द इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिकॉज स्प्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट हैंडलिंग अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. पार्शियल स्प्लीनेक्टमी इज गेनिंग फेवर इन चिल्ड्रन because you have to protect them against bacterial infection and sepsis. Agar pura spleen nikal lenge to phir dusre masle shuru ho jayenge. The downside is that because the partially resected spleen eventually regains its size, kind of regeneration. So agar aap thoda spleen ko kaatte hain to dobara grow kar jati hai, ye major masla hai. तो हर चीज के साथ एसोसिएटेड प्रोज एंड कॉन्स हैं. द होप इज दैट दिस कैन बी डिलेड अंटिल द एडल्टहुड. सो अगर इफ यू हैव अ चाइल्ड विद हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस ऑब्वियसली इट्स अ हेरिडिटरी डिजीज सो द पेशेंट विल प्रेजेंट अर्ली इन द लाइफ. ओके तो इस बच्चे में अगर आप पार्शल अगर तो आप टोटल स्प्लीन एक्टिमी करते हैं पूरी स्प्लीन निकाल देते हैं नाउ देर आर चांसेस ऑफ लाइक न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस अदर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एंड द चाइल्ड कैन गो इनटू सेप्सिस. तो आप क्या करें आप आधी स्प्लीन निकाल लो. इफ यू रिमूव लाइक पार्शल स्प्लीन फॉर एग्जाम्पल तो होगा ये कि हिमोलिसिस भी कम हो जाएगी स्फेरोसाइट्स कम फटेंगे और चूंकि बाकी की स्प्लीन आपने छोड़ी हुई है अंदर तो इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन मिलती रहेगी. लेकिन इसका फिर मैंने क्या बताया प्रॉब्लम ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट रीगेन्स द साइज. लेकिन जब तक ये साइज रीगेन करेगी ये जो बच्चा है अब ये बड़ा हो चुका होगा और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो चुका होगा. सो लाइक you always have to you know undertake the cost benefit analysis. Fayda kitna hai nuksan kitna hai. Management of a patient is not always following the you know strict algorithms. You have to analyze your patient and then decide ki mujhe kya management karni hai apne patient ki. Okay so all the very best aur next video mein fir hum baat karenge ek aur hemolytic anemia ki which is sickle cell anemia. Till then take care of yourself.